हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन आज एक आपके लिए छोटी सी ट्रिक है। मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी और मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी और मुझे आज तक याद है। ये मैंने पढ़ी थी 6-7 साल पहले, लेकिन आज भी मुझे ये ट्रिक याद है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो ये ट्रिक है पीरियोडिक टेबल की, कि कैसे पीरियोडिक टेबल को याद रखेंगे, और सिर्फ एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एग्जाम के पहले नहीं, पूरी जिंदगी। तो कैसे याद रखेंगे, उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लें, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये इतनी कलरफुल लग रही है और ज्यादा कलरफुल हो जाएगी, तो स्नैपशॉट लेने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम लोग ये एस ब्लॉक, दिस इज एस ब्लॉक। सबसे पहले एस ब्लॉक होता है, फिर आपका डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये एस ब्लॉक याद रहता है और ये पी ब्लॉक रहता है। डी ब्लॉक में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, और आज हम सब कंफ्यूजन क्लियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एस ब्लॉक को। तो यहां पर एस ब्लॉक लिख देते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है ली ना की रब से फरिया। तो इसके लिए ट्रिक है ली ना की रब से फरिया। इस तरह से आपको है हाइड्रोजन, लीना, लिथियम, सोडियम, की पोटेशियम, रब से रुबिडियम, सीजियम, फरियाद, फ्रेंसियम, एफआर, इस तरह से ये आपको याद रखना है। चाहे तो आप लोग किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ये आपने पूरी पीरियोडिक टेबल जहां आपकी बनी हुई है उस बुक में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा ने कार स्कूटर मांगी, पहले कार मांगी फिर स्कूटर मांगा, क्या करें भाई, कार नहीं मिल रही थी तो स्कूटर पे अटक गया। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अब ऑब्वियस ही बात है बच्चे मांगेंगे तो पिताजी को देना पड़ेगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो ये आपकी एस ब्लॉक की ट्रिक हो गई। पूरा फिर से एक बार बोलते हैं, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये पूरे आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। पहले पी ब्लॉक को समझते हैं, जो चीज आपके माइंड में है उसको पहले समझते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स डालते हैं यहां पे, पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं जल्दी से। पी ब्लॉक में आते हैं आपके 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। ये ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक में, राइट साइड पे बनी होती है पीरियोडिक टेबल के। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 13th ग्रुप। तो 13th ग्रुप को याद करेंगे कैसे करेंगे, इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको याद कैसे करेंगे, हम लोग याद करेंगे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, लिख लीजिए। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसे खोल लीजिए और लिख लीजिए, ताकि जितने बार भी आप देखें तो आपको ये रिवाइज होता रहे। फिर अगली 14th ग्रुप में आते हैं कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। सबसे पहले हमने 13th ग्रुप में क्या सीखा, 13th ग्रुप में हमने, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, हाँ, तो 13th ग्रुप में हमने देखा कि बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये आपकी 13th ग्रुप में आ गए। क्या क्या आ गए, पूरी सब्जी मंडी आपकी 13th ग्रुप में आ गई। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये सब्जी मंडी आपकी किसमें आ गई, 13th ग्रुप में आ गई। फिर 14th में आते हैं, तो 14th में आता है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, Sn, टिन, Pb या लेड भी कहते हैं। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है कहे सीता जी सुनो प्रभु, देखा या याद हो गई, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो इसके लिए आपकी ट्रिक हो गई कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये आपके 14th ग्रुप एलिमेंट्स हो गए। फिर 15th ग्रुप में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिल, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब दिखारी, क्या ट्रिक है। अरे एक मूवी है यार, मूवी में तो ये लोग कुछ भी बनते रहते हैं। तो एक मूवी है, उस मूवी में इनका किरदार क्या है कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी बने। तो ये 15th ग्रुप हो गया, इसमें क्या है कि सभी को डायरेक्टर ने
क्या कर दिया है, भिखारी बना दिया, जिसने भी रोल दिया भिखारी का रोल दिया है। तो नाना पाटेकर कैसे दिया, सब भिखारी। ठीक है, नेक्स्ट 16th ग्रुप में आते हैं, किसमें आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इसको याद करने का तरीका है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब नकल करो, छापो, उतारो, जो भी आप लोग जानते हो, कॉपी करना इंग्लिश में बोले तो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, याद करने का तरीका ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि पुरानी वाली स्टाइल को कॉपी करो, दैट इज 16th ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास ये भी हो गया, ओल्ड स्टाइल से टीप लिया। अगला हम देखते हैं 17th ग्रुप। 17th ग्रुप थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बॉयज को और इंटरेस्टिंग लगेगा और कभी भूलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें है फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटिन, इसके लिए क्या याद रखना है, फिर कल बाहर आई आंटी। 17th ग्रुप में याद रखना है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, 18th ग्रुप में आ जाते हैं, अपने लास्ट ग्रुप में। इस 18th ग्रुप को हम लोग जीरो ग्रुप और इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके हीना, नीना और करीना, जीरो रहना। ऑब्वियस सी बात है, एक्ट्रेसेस हैं, इनका फिगर हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। जीरो फिगर का मतलब होता है कोई फैट वेट नहीं होता, एकदम दुबली पतली सी। तो कौन कौन सी हीरोइन जीरो रहती है, हीना, नीना और करीना, जीरो रहना। फिर से नोट करते जाइए, क्योंकि अगर आप एक बार दो बार इसमें सिर्फ नजर डालेंगे और अपने मन से बोल लेंगे ना, फिर आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हीना, नीना और करीना जीरो रहना। ठीक है, तो लास्ट ये 18th ग्रुप है, यहां से इनके नाम आपको याद हो गए होंगे, हीना, नीना और करीना, जीरो रहना। ठीक है, अभी इसके नाम के अलावा और इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपके एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं, क्योंकि कई बार जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उनके आगे ये लिखे होते हैं और उसके बाद फिर 4s1, 3s1, 4d2 कुछ भी होता है तो पूछ लेता है किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहले आपको इनका पता होना चाहिए, तब आप उसका अगला का बता पाएंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखेंगे, हीलियम का होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन 18, ये 36, ये 54, ये 86, यानी 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो मैं एक आपको एक सॉन्ग, जैसे रैप सॉन्ग होता है ना, उस तरह से गाना है। क्या कहना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। क्या कहना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। इस तरह से बोलना है, हिंदी में बोलिए एक बार, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, यानी हीना, नीना और करीना, जीरो रहना, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, तो ये आपका पी ब्लॉक भी हो गया। अब आते हैं ये जो थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को और इसमें आपको चीजें याद नहीं रहती हैं। अब यकीन मानिए कि आपको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक भले ही भूल जाए, लेकिन आपको डी ब्लॉक नहीं भूलेगा, क्योंकि इसकी ट्रिक इतनी अच्छी है। सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है, बॉयज लोगों को ज्यादा याद आएगा, ट्रिक है साइंस टीचर विनीता कृपलानी। नोट करती रहो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान जलानी। क्या कहा मैंने कहा कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान जलानी। लिखा, फिर से लिखो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान जलानी। अरे फेक दो भाई। ठीक है, फिर उसके बाद इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको जो क्वेश्चन है वो पूरे डी ब्लॉक का क्वेश्चन, एम ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो पूरे क्वेश्चन आपको सिर्फ इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, इनसे कोई क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं ग्रुप वाइज, पीरियड में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मैं वो चीज नहीं बता रहा जो आपके काम की नहीं है। ठीक है,
तो जितनी काम की उतनी बता रहा हूं। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलानी, ग्रुप में कई बार आ जाता है कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हॉफनियम आ गया, जिर्कोनियम आ गया, तो इनका पूछ लेता है इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो क्या है कि इनको अगर आपने याद कर लिया तो सेम वही एटॉमिक नंबर बाकियों का भी होता है। तो आपको ये याद रखना है कि किसके नीचे कौन आता है, क्योंकि अगर ऊपर वाले को मैं आपको याद करा दूंगा अभी दो मिनट में कि किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन नीचे वालों का आपको पता होना चाहिए कि कौन किस ग्रुप में आता है, तब याद कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, क्या हम लोग याद करेंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है, इसमें याद करना है आपको सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। क्या याद करना है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी भैया, इस साल नहीं अगले साल लाएंगे, इस साल नहीं खरीद पाएंगे इतना पैसा नहीं। फिर क्या याद करना है, अगले में आते हैं टीजर हाफ, कहीं घर में जाते हो कोई पूछता है चाय या कॉफी, तो भैया हम तो यूपी वाले ठहरे, हमारे लिए तो चाय बड़ी कॉफी ऑफी जो अपना पीता है वो कॉफी मांग ले, तो हम लोग वो पूछते हैं कितनी, हम कहते थोड़ी सी, तो टीजर हाफ भैया टी कितनी, थोड़ी सी। फिर कहां गए थे आप लोग, भैया नवाबों के घर गए थे, तो किसी ने पूछा कहां गए थे, अरे वो नवाब था, वो कौन था, वो नवाब था, वो नवाब था, ठीक है। फिर अब भैया नवाब है तो उनके घर के लोग भी कैसे होंगे, करोड़पति होंगे, तो हमने क्या कहा, करोड़ मोर वाली, ठीक है। आप किसी के घर गए किसी को देखने, तो लोगों ने पूछा कहां गए थे, हमने कहा अरे भैया वो नवाब था उसी के यहां गए थे, तो फिर पूछा कैसी लगी, तो आपने कहा अरे भैया उसके तो ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो तो करोड़पति चाहिए उन्हें, तो हमने क्या कहा, करोड़ मोल वाली, ठीक है। अगला है, अब भैया ठीक है करोड़पति चाहिए लेकिन मन तो वहीं अटक गया, तो हमने क्या कहा कि मन तक रे, मन अभी भी वहीं ताक रहा है, तो मन तक रे, ठीक है। अगले में आते हैं, अब इतना भैया ताकोगे तो कोई ना कोई तो नाराज होगा, तो हमने कहा कि फिर रूठा ओसो, क्या याद करना है इसको, इसको याद करना है फिर रूठा ओशो। अगली, जब कोई रूठ गया तो ऑब्वियस सी बात है कोई नाराज है तो कोई उसके साथ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो हमने कहा कि कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर, ठीक है। फिर अगला आते हैं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, पहले टीचर क्या कहते थे, नहीं पढ़ोगे, बहुत पहले कहते थे नहीं पढ़ोगे पिटेंगे, पिताजी कई बार कह देते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करो बहुत मारा, तो नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है। फिर क्यों आ गया हूं, कई बार क्या होता है कि जब नहीं पढ़ाई करते हैं तो टीचर बुलाता है इधर आओ, आ गया, टीचर क्या कहता है इधर आओ तुम, आ गया, हम कहते हैं क्यों आ गया हूं भाई, पता है पहले जाएंगे नहीं जाना, क्योंकि अब तो नहीं होता, पहले तो क्या होता था, टीचर से पकड़ के मारता, पकड़ के मारता, जानता था हाथ डालोगे तो ऐसे पकड़ लेता, पहले एक हाथ से पकड़ लेता दूसरे हाथ से पेलते थे, तो फिर भैया हमने कहा कि क्यों आ गया हूं, जब पता है मार खाना है तो हम क्यों आगे जाए, तो कहा क्यों आगे आऊं, ठीक है। अगला, अब भैया जब आगे नहीं जाओगे, पढ़ो लिखोगे नहीं, तो क्या हो जाएगी जिंदगी, जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई, ना तुम आगे गए ना तुम पढ़े ना लिखे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तुमने कहा क्यों आ गया हूं, तो फिर क्या हुआ, जिंदगी कबाड़ा हो गई, जब कुछ नहीं किया तो जिंदगी कैसी हो गई, कबाड़ा हो गई, तो इसको याद रखना जिंदगी कबाड़ा हो गई, ठीक है। तो एस ब्लॉक भी खत्म कर लिए, पी ब्लॉक भी खत्म कर लिया, अब लास्ट में ये आते हैं आपके एफ ब्लॉक, इसे क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक जनरली आपके डी एंड एफ ब्लॉक में होते हैं, जहां आपका क्वेश्चन आता है लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज के ऊपर, ठीक है, वहां पर आपको एफ ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये पूछ लेता है लेंथेनॉइड सीरीज कहां कहां से स्टार्ट होती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो ये सब पूछ लेता है, तो इसको भी याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक है। तो सबसे पहले लेंथेनॉइड सीरीज की अगर हम बात करें, तो लेंथेनॉइड स्टार्ट्स फ्रॉम एलए, लेंथेनॉइड लेंथेनम से स्टार्ट होता है एलए से, तो भैया एलए से स्टार्ट होता है तो एलए के लिए कोई ट्रिक नहीं, अरे जब तुम नाम में लिखे हो तो तुम्हारे लिए क्या ट्रिक बना, याद करने की जरूरत है क्या, लेंथेनॉइड सीरीज तो एलए तो पहले लिख देंगे, याद करने की तो उनकी भी जरूरत है जिनको हमें पता नहीं है, तो याद रखो कैसे, सीने पर नदियां प्रेम की समाएंगी, यू गदगद तब दिल होगा, लिखो लिखो सुनो नहीं इसे लिखो कहीं,
लिखोगे बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगी ऐसे जैसे मुझे याद है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे 6-7 साल बाद भी याद है तो मुझे अभी ये जिंदगी भर याद रहनी है, मैं कोई देखता नहीं हूं, लेकिन हाँ जिस समय मेरी टीचर ने बताया था उस वक्त जरूर मैं गुनगुनाता रहता था कि कहीं भी बैठा रहता था अपने आप में सोचता रहता था कि यार क्या बताया था, कितनी अच्छी ट्रिक थी। तो ऐसे ही लिखो कि सीने पर नदियां प्रेम की समाएंगी, यूं गदगद तब दिल होगा, अरे तुम ये भी लूटोगे, अरे तुम ये भी लूटोगे। फिर से, सीने पर नदियां प्रेम की समाएंगी, यूं गदगद तब दिल होगा। जब नदियां प्रेम की समाने लगी तो क्या हो गया, प्रेम को देखकर तो दिल अपने आप गदगद हो जाता है। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाएंगी, यूं गदगद तब दिल होगा, अरे तुम ये भी लूटोगे। यहां से होगा के बाद से एक अलग ट्रिक है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, साथ में ही है, अरे तुम ये भी लूटोगे, तो ये ल्यूटिडियम तक होती है। ठीक है, आपकी लैथनम सीरीज जो होती है वो 57 से स्टार्ट होती है और ये आपकी जाती है 71 तक। ठीक है, यहां देखिए लिखा है लैथनम, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि लैथनम सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, तो ये याद रखना 57 से स्टार्ट होती है 71 तक जाती है। अगली एक्टिनॉइड की बात करते हैं, तो वही चीज भैया, एक्टिनॉइड स्टार्ट होता है एसी से, जब तुम नाम में ही हो तो तुम्हारे लिए क्या ट्रिक बनाए यार हम, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई, नाम में ही हो क्या ट्रिक बनाना है। एक्टिनॉइड सीरीज में सबसे पहले एक्टिनियम लिख दिया 89, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है क्या, ट्रिक तो उसके बाद की जरूरत है क्योंकि ये तो नाम में ही है, इसके लिए क्या ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, तांगे पर यूं निकल पड़ी पूजा, क्या ट्रिक है, तांगे पर यूं निकल पड़ी, एनपी है निकल पड़ी, निकल पड़ी, एनपी को पूरा लिखो निकल पड़ी, तांगे पर यूं निकल पड़ी पूजा। ऑब्वियस सी बात है तांगे पे निकलोगे, सब लोग देखेंगे, तो तांगे पर यूं निकल पड़ी पूजा, आसमान चमका बिजली कड़की। ओए ओए ओए, ऐसा क्या था भाई पूजा में, निकली क्यों, तांगे पर यूं निकल पड़ी पूजा, आसमान चमका बिजली कड़की, बीके को बिजली कड़की, एनपी निकल पड़ी। ठीक है, लिखते जाओ बहुत इंटरेस्टिंग है, तांगे पर यूं निकल पड़ी पूजा, आसमान चमका बिजली कड़की। ठीक है, बिकी तक आ गए, बिजली कड़की। अब नेक्स्ट यहां से अगला याद करो, कैफे में एस फरमाते मैडिनो लारा, मैडिनो लारा कहां एस फरमा रहे, कैफे में, तो सीएफ से कैफे में एस, ईएस फरमाते एफएम, मैडिनो एमडी, एनओ मैडिनो लारा, लास्ट में लॉरेंसियम आपका आता है 103। ठीक है, 103 आपका लॉरेंसियम आता है। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं, तांगे पर यूं निकल पड़ी पूजा, आसमान चमका बिजली कड़की, कैफे में एस फरमाते मैडिनो लारा। ठीक है, और ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट थे जिनका हमने याद किया था, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, सो आई होप कि ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। कितने टाइम लगेगा इसको, कितना ही टाइम लगेगा, वो तो मैंने समझाया इसलिए वक्त लग रहा होगा, वरना इसे कितना वक्त लगेगा आपको याद करने में है। एलिना की सबसे बढ़िया बेटा मांगे कार स्कूटर, बगन अनुगत निथिला कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटे के रसोई रस अभिकारी, ओल्ड स्टाइल से कीपू फिर कल बाहर आई आंटी नीना नीना और करीना जीरो रहे। ये आपके एस ब्लॉक पी ब्लॉक खत्म हो गए। यहां से आए देखो तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मंडे को नहीं क्यों जान चलानी। ठीक है, फिर सेकंड ईयर लाइन ए सी टीज रहा बनवाब था करोड़ मोल वाली मंतक ले फिर उठा उसको कौन रहेगा इधर नहीं पढ़ोगे पिटोगे क्यों आ गया जिंदगी का बड़ा हो गई। ठीक है, फिर सीने पर नदियां प्रेम की समाएंगी यूं गदगद तब दिल होगा अरे तुम ये भी लूटोगे। लास्ट में आते हैं तांगे पर यूं निकल पड़ी पूजा आसमान चमका बिजली कड़की कैफे में एस फरमाते मैडिनो लारा। तो मुश्किल से मैं कहता हूं अगर आपको याद हो गया तो विद इन अ 5 मिनट्स आप पूरी अपनी पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक आती है तो। ठीक है, अब जिसको भी स्नैपशॉट लेना है जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, अगर किसी को डाउट है कोई चीज वो नहीं समझ पाया कोई चीज वो नहीं लिख पाया है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है।
तो इसी के साथ ये छोटी सी एक ट्रिक थी, मैं एक वीक में एक ट्रिक आपको जरूर दूंगा, कोई ना कोई जो आपके काम आएगी। और इसकी भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिससे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। लिख के ले लो यार, सच बता रहा हूँ, अगर गलत हो जाए तो डिसलाइक मार देना। वो जो क्वेश्चन होते हैं ना कि निकल का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लेटिनम पैलेडियम इनका कितना होता है, और ये इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये क्वेश्चन जरूर आता है। 80% क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इसी से आते हैं, 20% आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 80% की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि विद इन अ मिनट, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है विद इन अ सेकंड आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग से सोचेंगे उसका ये इतने इलेक्ट्रॉन तो ये आंसर ये, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। ट्रिक आएगी, सॉल्व करके देखना, हैबिट पड़ जाएगी, विद इन अ सेकंड आंसर निकाल लोगे। तो गाइस जैसा भी आपको लगी ये ट्रिक नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और किसी भी चीज की अगर आपको चाहिए ट्रिक, वैसे तो मैं बायो नहीं पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में, और फिर भी मेरे पास जो एक्सपीरियंस है या जो मेरे पास ट्रिक है या जो मैंने कहीं टीचर से सीखा है, एक्चुअली मैं बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ा हूँ जो आपकी इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वहां पढ़ता था और वहां कई बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं ऐसी। तो प्लीज स्टे ट्यून, बने रहें, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।